अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका हूँ साजिद अली और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है एकेडमी टेक। इस चैनल के ऊपर मैंने सी लैंग्वेज के एक बेसिक कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, उस सिलसिले में मैं आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन होगा उसको प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास को। लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 8। अब वो चैप्टर नंबर 8 खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है कि व्हाट इज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं, आइडेंटिफायर क्या चीज़ है। यानी कि आइडेंटिफायर बेसिकली किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है, यानी कि नाम को हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है किसी भी चीज़ के नाम को या जिसका आप नाम रख लें। वो वेरिएबल का नेम हो सकता है, वो किसी कांस्टेंट का नेम हो सकता है, वो किसी फंक्शन का नेम हो सकता है, वो किसी लेबल का नेम हो सकता है। यानी कि वो चीज़ जिसको आप एक नाम दे लें जिससे उसकी पहचान हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। यानी कि वो किस नाम से जाना जाता है, यानी कि किसी चीज़ को नाम देना ये क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। जैसे कि हम घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो हम उसको क्या रखते हैं, उसका नाम रखते हैं ताकि वो उस घर में इस नाम से पहचाना जाए। इसी तरह हम सी लैंग्वेज में भी क्या करते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसका हम क्या रखते हैं, एक नाम रखते हैं ताकि वो उस नाम से वो प्रोग्राम के अंदर जाना जाए, पहचाना जाए। ठीक, आइडेंटिफायर का नेक्स्ट जो चीज आ रही है वो आइडेंटिफायर की आपके पास रूल है। यानी कि जब आपने आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना है तो आपने रूल को फॉलो करना है। यानी कि पहला रूल क्या है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो मस्ट है, वो क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिक या अंडरस्कोर, इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई चीज तीसरी चीज को रख नहीं सकते, जैसे कि डिजिट हो सकते हैं या कोई स्पेशल सिंबल हो सकते हैं, वो आप पहले नहीं लिख सकते। पहले आप अल्फाबेटिक लिखेंगे बाद में, या पहले आप अंडरस्कोर लिख सकते हैं। दूसरा रूल है कि आप जब वेरिएबल आइडेंटिफायर का कोई भी नेम रखते हो तो मस्ट है कि वो अल्फाबेटिक होने चाहिए, ठीक है, और लोअर केस में होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए और स्पेशल सिंबल, इनके इन सबको मिला के हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफायर का नेम रख सकते हैं। और तीसरा रूल ये है कि आप जो रिजर्व वर्ड है जिनको हम की वर्ड बोलते हैं उनमें से भी आप कोई भी वर्ड उठा के एज आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये इसके रूल है। उसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती हैं। आइडेंटिफायर की दो मेन टाइप्स हैं, एक है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, एक है यूजर आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो होती हैं जो लैंग्वेज में खुद इनके पहले से इनके प्री बिल्ट होके आती हैं, वो वाले जो आइडेंटिफायर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। और जो यूजर अपनी मर्जी से करता है आइडेंटिफायर, इनके जो क्रिएट करते हैं अपनी मर्जी से डिक्लेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड। नाम से जाहिर हो रहा है कि जो यूजर खुद क्रिएट करता है, जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है आइडेंटिफायर, उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड। और जो लैंग्वेज के साथ ही आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई क्रिएट हो गई या बिल्ट हो गया आते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। जैसे कि इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेता हूँ कि आपके पास जो प्रिंट एफ है, जैसे कि स्कैन एफ है, ये लैंग्वेज में पहले से बिल्ट हुए हुए हैं। यानी कि इनको हम क्या कहते हैं कि ये ऐसे फंक्शन, ये ऐसे नेम है जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, लेकिन जो यूजर अपनी मर्जी से डिक्लेयर करता है, जैसे कि एज डिक्लेयर कर लेता है या कोई मार्क्स डिक्लेयर कर लेता है, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये जो इस तरह से डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं यूजर आइडेंटिफायर, और जो लैंग्वेज की तरफ से बिल्ड होके आती है उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास कीवर्ड क्या चीज है, या रिजर्व वर्ड इसका दूसरा नाम है, ये क्या चीज है। यानी कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे लफ्ज कह लें जिनका मतलब पहले से ही डिफाइन है, यानी कि जो जिसने ये लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज है, अब जिस बंदे ने ये सी लैंग्वेज बनाई है उसने कुछ वर्ड्स का मतलब पहले से ही डिफाइन इस लैंग्वेज में रखा हुआ है। अब वो जो लैंग्वेज के जो पहले से वर्ड जिनका मतलब डिफाइन है उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, उनको क्या बोलते हैं हम, कीवर्ड्स। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसका मतलब पहले से, यानी कि प्री डिफाइन, से बता दें कि पहले ही इनका मतलब बता दिया गया है लैंग्वेज के अंदर, इनके इन वर्ड्स का ये मतलब है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं या रिजर्व वर्ड बोलते हैं। यानी कि ये जिनका जो मतलब है पहले से रिजर्व है, आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब पहले से डिफाइन है, जो लैंग्वेज के अंदर जो डिफाइन हुआ हुआ है सिर्फ वही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और अदरवाइज उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। और सी लैंग्वेज में मैक्सिमम 32 कीवर्ड्स हैं जो हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज होती है, वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेरी करती है, वेरी से मतलब है कि चेंज होती है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो वैल्यू चेंज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। या बेसिकली आप कह सकते हैं कि वेरिएबल मेमोरी को लोकेशन का नाम है, ठीक है, ये
या मेमोरी सेल का नाम है, फर्स्ट करेंगे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल की डायग्राम बना देता हूँ। आपके पास ये एक सेल है, ये सारा सेल आप कह लेंगे ये क्या है, कंप्यूटर मेमोरी है। ये क्या है, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। अब इसमें आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फार सेल में, इसका आप कुछ भी नाम रख लें, फर्स्ट कर लें कि आपने इसका नाम रखा है एम, एम फॉर मार्क्स रख लें। इसमें आपने एक वैल्यू स्टोर करवा दी है, और ये जो आपके पास टोटल ये जो बाहर की तरफ है ये आपके पास कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है। और ये आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, यानी कि ये मेमोरी सेल है, ये क्या आपके पास है, ये इतना ये मेमोरी सेल है। और जो इसके अंदर जो आपने स्टोर करवाया है ये क्या है, वैल्यू है, यानी कि ये वेरिएबल की क्या है, वैल्यू। और ये जो m है ये क्या है, वेरिएबल नेम है, ये क्या चीज है आपके पास, वेरिएबल नेम। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने कंप्यूटर की मेमोरी में, ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी से बता दें कि आरजी होता है, ठीक है। जब भी आप कंप्यूटर को ऑफ करेंगे रैम के अंदर ये डिक्लेयर किया जाता है, और रैम के अंदर जो भी डाटा होता है जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं तो जितना डाटा होता है वो इरेज हो जाता है और लॉस हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जो ये वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं ये टेम्परेरी वेरिएबल किए जाते हैं। जब ये डाटा लॉस हो जाता है इनको दोबारा फिर डिक्लेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, इसलिए हम वेरिएबल को क्या बोलते हैं कि ये एक ऐसा यानी कि वेरिएबल नेम ये ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू वेरी करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि हर वक्त हर दफा इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पे यहां लिखा है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जो नेक्स्ट चीज आ रही है हमारे पास वो क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन से बता दें कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या चीज होती है, यानी कि वो तरीका क्या है, यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन से मुराद यहाँ पे पता है क्या चीज है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक तरीका है जिसका नाम हम क्या रखा हुआ है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना। अब वो डिक्लेयर कैसे करते हैं वो आपके सामने मैं डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके लिए आप उसके लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक डाटा टाइप, एक वेरिएबल नेम, यानी कि इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है, ये मैं यहां पे सिंटैक्स लिख देता हूं, यानी कि डाटा टाइप साथ वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। अब ये डाटा टाइप से मुराद है कि आप जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो उस टाइप की आपने डाटा देनी है, जैसे कि डाटा टाइप से मुराद है कि इंटीजर डाटा टाइप हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, इस तरह की आपने साथ डाटा टाइप देनी है, साथ उस वेरिएबल का नेम देना है जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। फर्ज कर लें कि मैं एक इंटीजर टाइप का यानी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने उसके लिए इंट लिखना है, इंट इंटीजर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या रख देता हूँ, ए रख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं एक फ्लोट टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, फ्लोट, और इसका जो मैं नेम रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ कि उसका नाम है उसका नाम हम क्या रख लेते हैं, मार्क्स। ये थी वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक डाटा टाइप असाइन करनी है और डेफिनेशन उसका एक नेम असाइन करना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी कि द प्रोसेस या मेथड असाइनिंग अ वेरिएबल नेम एंड इट्स डेटा टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये सिंपल आप डेफिनेशन भी कर सकते हैं और इसका ये प्रॉपर सिंटैक्स और एग्जांपल के तौर पे इसको लिख भी सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। इस तरीके से आप वेरिएबल सी लैंग्वेज में क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं प्रॉपर। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आपके पास जो टॉपिक आ जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से मुराद है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं साथ ही आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं यानी कि वैल्यू दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे याद रखना है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है कि जिस वक्त आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेरेशन के साथ ही आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक फर्ज कर लेंगे सिंटैक्स के मुताबिक लिख देता हूँ, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है ऊपर वाला और ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का है, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डाटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल जो भी आपने वैल्यू असाइन करनी है,
ये कंप्लीट इसका क्या है आपके पास आ जाता है, यानी कि ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं, वैल्यू कोई भी हो सकती है, वैल्यू के बाद आपने सेमी कॉलन, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हमने, यानी कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, साथ इक्वल आ जाएगा, इसको हमने 5 इनिशियलाइज करना है, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, ये 5a को इनिशियलाइज करवा दिया, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम वैल्यू देना वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है, यानी कि इसकी सिंपल डेफिनेशन आप कैसे कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वेरिएबल वैल्यू इज कॉल्ड या इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इस तरह आप सिंपल क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन कर सकते हैं कि वेरिएबल को जब आपने डिक्लेयर किया डिक्लेरेशन के दरमियान, उसी वक्त आपने क्या करना है, वैल्यू असाइन करना है, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग वेरिएबल, डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग वेरिएबल। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जस्ट हम क्या करते हैं, उसको वेरिएबल को सिर्फ उसकी डाटा टाइप देते हैं और उसको एक नाम देते हैं। आपने अभी चेक किया ना कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो जस्ट हम क्या करते हैं, वेरिएबल की डाटा टाइप और उसको एक नाम देते हैं, बस ये क्या चीज है, सिंपल वेरिएबल डिक्लेयरिंग, ठीक है। डिफाइनिंग क्या है, डिफाइनिंग से मतलब है कि हम ये भी साथ डिफाइन करते हैं कि इसको मेमोरी में से कितनी स्पेस लेनी है, ये डिफाइनिंग होगा। डिफाइन से क्या मतलब है कि साथ हम ये चीज भी मेंशन करते हैं कि इसने मेमोरी में से कितना, यानी कि वो मेमोरी में से कितनी जगह लेगा, मेमोरी में से कितनी स्पेस लेगा, उसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग। छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयरिंग से मुराद क्या है कि सिंपल हम डाटा टाइप देते हैं, साथ उसको एक नाम दे देते हैं, वो वेरिएबल डिक्लेयरिंग कहलाता है। लेकिन साथ हम ये भी मेंशन करते हैं कि वेरिएबल ने, यानी कि मेमोरी में से कितनी स्पेस लेनी है, कितनी जगह लेनी है, वो चीज क्या कहलाएगी, वेरिएबल डिफाइनिंग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल डिफाइनिंग। और साथ में आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं, 7 या 8 रूल है, उनको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है, उनको अपने जेन में रखते हुए फिर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेना है। सबसे पहला इसका जो रूल है कि जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मस्ट है कि आपके पास जो पहला लेटर है वो अल्फाबेटिक होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी दे सकते हैं। उससे पहले आप, यानी कि अगर आप फर्स्ट कर लेंगे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के दौरान आप क्या करते हैं कि 5a डिक्लेयर कर लेते हैं, तो ये गलत है। आप a 5 डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल को, 5a नहीं, यानी कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका रूल है कि पहले हमेशा अल्फाबेटिक आना चाहिए, पहले हमेशा अल्फाबेटिक आना चाहिए। अगर देखिए रूल को फॉलो करेंगे तो ये वेरिएबल ठीक होगा, अगर इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये वेरिएबल गलत है। जैसे कि मैं 5a लिख देता हूँ, यानी कि ये पहले रूल को उसके खिलाफ जा रहा है, जब उसके खिलाफ जाएगा तो वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल में मस्ट एक जो स्पेशल सिंबल है वो नॉट अलाउड है। दूसरा नंबर पे जो दूसरा रूल है, स्पेशल सिंबल नॉट अलाउड। स्पेशल सिंबल से क्या मुराद है, जैसे कि आप ऐसे लिख देते हैं हैश या डॉलर साइन लिख देते हैं, ये वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं उसमें ये अलाउ नहीं है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये स्पेशल सिंबल डिक्लेयर नहीं है। तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि अपर और लोअर, अपर से मुराद है कि कैपिटल ABC और लोअर से मुराद है कि स्मॉल ABC। आप दोनों में ये यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपने कोशिश करनी है हमेशा स्मॉल लेटर को, यानी कि लोअर केस को इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल डिक्लेयर करना है। और चौथे नंबर पे आपको ये जो कीवर्ड है, जो आपको मैंने लास्ट में बताया कि जो कीवर्ड्स हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं वो एज अ वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप वेरिएबल डिक्लेयर उसको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तीसरा पांचवे नंबर पे मैंने बोलना है कि ये जो ब्लैंक स्पेसिस हैं, ब्लैंक स्पेसिस से मुराद है कि खाली जगह आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट कर लेता हूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ दिस कार, दरमियान में ये जो खाली जगह है ना, ये हम ब्लैंक स्पेस इसको बोलते हैं, यानी कि ब्लैंक स्पेस हम इसमें अलो नहीं है, खाली जगह नहीं आप छोड़ सकते। अगर आपने ऐसे लिखना है तो यहाँ पे अंडरस्कोर आप लगा सकते हो, अंडरस्कोर डैश नहीं, ये मैं लगा रहा हूँ कि अंडरस्कोर, यानी कि ये नीचे आएगी, आप ये लगा के आप अलग अलग कर सकते हो, नहीं तो फिर आपने डायरेक्ट ऐसे लिखना है दिस कार, दिस कार, दरमियान में स्पेस नहीं आनी चाहिए। अगर तो दरमियान में स्पेस आई तो ये अलो नहीं करता, ये वेरिएबल के रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। अगर आप इस तरह वेरिएबल के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने लास्ट में बताया कि वेरिएबल के साथ मस्ट है कि एक डाटा टाइप आएगी, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, मस्ट है कि एक डाटा टाइप लाजमी इनके साथ आएगी।
अभी तक अगर मेरी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो हो सकता है कि मैं उस कमेंट को लेके एक अच्छी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि उसको मजीद सिंप्लीफाई करके आप उसको समझ सकें, सात अल्फाज में आपको मैं बता सकूँ। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।